नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, कोई भी इंसान, कोई स्त्री, कोई पुरुष अगर किसी से प्रेम करता है, कोई शादीशुदा जोड़ा हो या प्रेमी प्रेमिका हो, अगर उनके बीच कुछ भी ऐसा बुरा चल रहा है, खराब चल रहा है कि कोई नाराज़ हो गया है, रूठ गया है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव पैदा हो गया है, मित्रों एक बहुत आसान सा, इतना शक्तिशाली, मात्र संख्या 5 से होने वाला, अंक 5 से होने वाला एक ऐसा सरल उपाय आज हम आपको बताएंगे जो जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली है। मित्रों, इस उपाय को आप कर लें, दुनिया में कितना भी खराब संबंध हो, किसी के भी बीच सुधर जाएगा। मित्रों, जब पूरे विश्वास, पूरे यकीन से आप इस उपाय को करेंगे, आप खुद देखेंगे किस प्रकार से वो इंसान मात्र 5 मिनट में आपके लिए बेचैन हो जाएगा, तड़प उठेगा। मित्रों, कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको रुलाया है, आप जिसकी वजह से परेशान हैं, अब वो आपके लिए रोएगा, वो आपके पास आएगा, खुद आपसे बात करेगा, संपर्क करने के रास्ते बनाएगा। अगर दूर है, अगर वह घर का कोई इंसान है, यानी पति पत्नी में से कोई है, आपके साथ रहता है, मित्रों खुद आपके लिए परेशान होगा और आपकी कद्र करेगा, आपकी इज्जत करेगा। क्या करना है मित्रों? इस सरल से उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सभी दिन इसके लिए खूबसूरत हैं। आपने क्या करना है, स्नान कर लें, यदि किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते, हाथ पैर अपने अच्छे से एक बार धो लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने किसी भी आसन कपड़े पर पालती मारकर, पलाश मारकर बैठ जाना है। ऐसा करते समय अपने सामने आप एक दीपक, धूप, कुछ भी प्रज्वलित कर लें, जला लें, धूप हो, दीपक हो, अगरबत्ती हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। मित्रों, अग्नि प्रज्वलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अग्नि पवित्र होती है और उससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके इर्द गिर्द नहीं रहती। अब आपने क्या करना है, आपने एक लाल रंग के किसी भी स्केच पेन मार्कर से अपने हथेली पर, जो आपकी बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की जो हथेली है, उस पर आपने संख्या लिखनी है 5, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। यदि स्त्री कर रही हैं तो संख्या 5 मध्य में जैसा दिखाया गया है लिखेंगी, यदि इसे पुरुष कर रहे हैं तो वो हथेली पर 5 लिखने के बाद जो आपकी अनामिका उंगली है, जो आपकी रिंग फिंगर है, उस पर भी आप बिल्कुल ऊपर के हिस्से में संख्या 5 लिखेंगे, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, अगर स्त्री हैं तो अपने सीधे हाथ का यानी अपने राइट हैंड का जो आपका अंगूठा है, थंब है, वो आप हथेली के बीचों बीच लगा देंगे यानी रख देंगे, और यदि पुरुष हैं तो वो ऊपर जो 5 हैं अनामिका उंगली पर, उसे पकड़ लेंगे, अंगूठा 5 के ऊपर होगा, पीछे से आप दूसरी उंगली लगा सकते हैं साथ में। उसके बाद आपने क्या करना है, आँखें बंद करनी है, और जिस किसी इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, जिसे भी आप प्रेम करते हैं, अपने करीब लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं उसका प्रेम, उसे आप ध्यान करें, 5 बार उस व्यक्ति का नाम पुकारें, और उसके बाद एक सरल सा बीज मंत्र, सिर्फ एक शब्द का आपने बोलना है, क्षह। वीडियो में दिखाया गया है, आपकी सहूलियत के लिए आपने बोलना है क्षह। इसको आप 5 बार बोलेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके, उस व्यक्ति को सोचते हुए, ध्यान लगाकर ये आप बोल दें, और उसके बाद आपने क्या करना है, उंगली हटा लेनी है, यानी अंगूठे को उंगली पर से हटा लेना है, यदि हथेली है उस पर से हटा लेना है, और उसके बाद आपने ये धोना नहीं है, साफ नहीं करना, उस दिन के लिए ये ऐसे ही रहेगा। और जब आप हाथ हटाएंगे, यानी जब आपने अंगूठा हटाया एक बार, 5 सेकंड के लिए अपने माथे पर बिल्कुल बीचों बीच रख दें, अपने अंगूठे को छुला दें, तिलक की तरह छुला दें बस, और उसके बाद बस आपका ये कार्य हो गया पूर्ण। आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, आप पानी का अगर कोई कार्य कर रहे हैं करते रहें, अपने आप मिटता है, मिट जाए। अगले दिन प्रातः जब आप उठेंगे तब आप अपनी हथेली पर एक बार फिर अपना सीधा हाथ छुला देंगे, यानी अंगूठा छुला देंगे,
यदि पुरुष कर रहे हैं तो अपनी उंगली को ऊपर पकड़ेंगे और उसके बाद आपने इसको धो लेना है, साफ कर देना है। ये उपाय मित्रों आप कर लें और फिर आप देखें किस प्रकार से वो व्यक्ति 5 मिनट में उसके बाद आपके लिए बेचैन हो जाएगा, तड़प उठेगा और पूरी उम्र आपकी गुलामी करेगा और आपकी कद्र करेगा। तो मित्रों ये है उपाय, बड़ा ही खूबसूरत उपाय है, इसे आप करें, आपको बहुत लाभ होगा मित्रों। अब आज्ञा दें मित्रों, अगली वीडियो में एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।